एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारियों के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच करके दमोह के पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी से मुलाकात की गई। साथ ही दमोह में गौकशी की घटनाओं पर विराम लगाने की मांग की गई। इस संबंध में पदाधिकारियों के द्वारा विस्तार से पुलिस अधीक्षक से चर्चा भी की गई। साथ ही पुलिस अधीक्षक के द्वारा इस मामले पर तत्काल ही कार्रवाई किए जाने की बात भी कही गई। क्या है पूरा मामला, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। आप लोगों को जानकारी है, आज से लगभग एक सप्ताह पूर्व एक गौ हत्या का मामला सामने आया था। गौ हत्या, गौ कशी दमोह जिले में रुकने का नाम नहीं ले रही है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आज फिर एक गाय कोतवाली पुलिस की सिपाहियों की या छोटे कर्मचारियों की कहना चाहिए तत्परता से वो गाय किसी की थाली का हिस्सा बनने से बच गई। गौ माता हमारी आराध्य है। आज मन बहुत दुखी था, एसपी साहब से निवेदन करने आए थे कि जिस घर में वो गाय पकड़ी गई है उस घर निवास पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यदि नहीं होगी तो मजबूरन हमारे संगठन को कुछ कड़ा कदम उठाना पड़ेगा और हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तो एसपी साहब ने आश्वस्त किया है कि आपको एक या दो दिन के अंदर इसमें रिजल्ट दिखाई देगा। दमोह जिले में काफ़ी लंबे समय से ये समस्या है और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा हर समय पुलिस को अवगत किया जाता है। कई बार बड़े बड़े आंदोलन भी किए हैं लेकिन उसके बाद भी दमोह में गौकशी पर कोई प्रतिबंध नहीं लग पा रहा है। आज हम लोग एसपी महोदय के सामने आके अपनी बात रखी है कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, आज तो ठीक है पुलिस प्रशासन को जानकारी लग गई तो वो वहाँ से गौवंश को वहाँ से लेके आ गए। ऐसे प्रतिदिन गौवंश वहाँ कट रही हैं जिनकी जानकारी नहीं लग पाती। तो हमारा एसपी साहब से और पुलिस प्रशासन से और दमोह कलेक्टर महोदय से भी आग्रह है कि इस तरह के जो गौकशी हो रही है उस पर तत्काल निर्णय लें कि इस तरह के आगे से कोई गौकशी ना हो, गौ माता की रक्षा हो सके। और वैसे भी हमने अभी कुछ दिन से देखा है पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के सहयोग से जो यहाँ पे गौवंश रोडों पे बैठ रहे थे उनके लिए बाकायदा वो लोग गौवंश को अपने वाहन में बैठा कर गौशाला में छोड़ रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्रयास है उनका, हम उनकी इस कार्यवाही की प्रशंसा करते हैं। एक और विशेष हम आग्रह करते हैं कि गौवंश कटने से बच जाएं, इससे बड़ा और कोई काम नहीं होगा। तो हमारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का जिला प्रशासन से आग्रह है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें।